मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र वैसे तो न जाने कितने देवी प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है, पर आज जब हम वसंत पंचमी की पूर्व संध्या की वेला में मिल रहे हैं तो इस मंत्र का जो उद्देश्य है वो सौभाग्य का स्मरण करना हो जाता है जो पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से मिलने के नाते हमको मिल पाया। न जाने कितने जन्मों का तप पुण्य प्रकाश हमारे जीवन में उदय हुआ होगा जिसने हमारे जीवन में उस संभावना को जागृत किया कि इस गुरु सत्ता के साथ, पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ हम लोग जुड़ सके, उस चेतना के साथ जुड़ सके जिनके बराबर की शक्ति हजारों वर्षों में कभी एक बार धरती पर आती है। गंगा एक ही बार अंतरिक्ष से अवतरित होती है, भगवान सूर्य आकाश में एक ही निकलते हैं, इस सृष्टि में चंद्रमा एक ही बार उदित होते हैं, धरती पर हिमालय एक ही बनता है और गुरुदेव धरती पर एक ही बार आते हैं, और उनके जैसी शक्तियाँ जब आती हैं तो उनसे जुड़ पाने का सौभाग्य यदि हम जैसे नगण्यों को, ना चीज़ों को, अकिंचनों को मिल पाता है तो उससे बढ़कर के सौभाग्य हमारे जीवन में दूसरा नहीं। हम तो मांग सकेंगे तो यही मांगेंगे कि यदि कुछ कुछ दे तो गुरुदेव के दर्द का उत्तराधिकारी बनाए, जिस कष्ट के साथ, जिस पीड़ा के साथ, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य को अपने हृदय में धारण करके गुरुदेव ने वर्षों की तपस्या को किया, उसको यदि हम लोग अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सके, उस अंजाम तक पहुंचा सके जहां तक पहुंचाना पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था, तो उससे बढ़कर के हमारे जीवन में दूसरा सौभाग्य हो नहीं सकेगा। कहीं पर एक बड़ी प्यारी कथा में पढ़ता था कि एक गुरु से उनके शिष्यों ने पूछा कि सद्गुरु करते क्या हैं, तो उनको लेकर के नदी के किनारे गए। वहाँ पर मछुआरा जाल को डाल रहा था और जब जाल को डाल रहा था तो उस जाल के अंदर मछलियां आकर के फंस रही थी और उन मछलियों में भिन्न भिन्न तरह की मछलियां थी। कुछ मछलियां तो ऐसी थी जो दूर ही जाल से खड़ी रहीं, पानी के अंदर ही विचरण करती रहीं। कुछ मछलियां ऐसी थी जो पानी के अंदर फंस गई और उनको पता भी नहीं चला कि हम अंदर फंस गए। कुछ थी जो निकलने का प्रयत्न कर रही थी पर निकल नहीं पा रही थी, और कुछ ऐसी थी जो प्रयत्न करती थी तो जाल से छूट करके चली जाती थी। वो जो मछलियाँ थी जो निकलने का प्रयत्न कर रही थी और निकल नहीं पा रही थी, उनको उन गुरु ने धीरे धीरे करके उठाना शुरू करा और पानी में फेंकना शुरू करा। शिष्यों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? बोले, बेटा तुम्हें दिखा रहा हूँ कि सद्गुरु करते क्या है। बोले, ये जो संसार है वो भवसागर है, इसके भवबंधन में चार तरह के प्राणी रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो फंस गए और उनको पता भी नहीं है कि हम बंधे हुए हैं, इस धरती के अंदर हैं, इन्हीं के काम पाश के जंजालों में फंसे हुए हैं और उनको ये ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं कि हम बंधे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनको होश तो है पर करने के प्रयत्न के बावजूद निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ है जो प्रयत्न करते हैं और महापुरुषों की तरह से जाल को भेद करके निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कभी फंसते ही नहीं। और वो जो बंधे हुए हैं और निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, गुरु बोले उनको निकालने का काम गुरु करता है। उनके अंदर अपना पुरुषार्थ होना चाहिए पर उनके पुरुषार्थ को सहारा देने का काम गुरु करता है। जो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है वो यही स्मरण दिलाना कि ऐसे गुरु से जुड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला जो बंधे हुए को निकाल पाने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम उनसे जुड़ पाए हैं तो प्रयत्न करें कि कर्म बंधनों के इस जाल से चित्त शुद्धि के उस मार्ग को अपना सके जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य का मन निर्मल होता है, चित्त प्रसादित होता है, जीवन में अध्यात्म की सही धारा प्रवाहित हो पाती है, और वैसा कर सके तो हमसे बढ़कर के सौभाग्यशाली दूसरा कोई होगा नहीं। आज का जो दिन है वो इसी सौभाग्य के स्मरण को, भाव को लेकर के आया कि स्थिर चित्त शांत मन के साथ
जो लोग यहाँ के सभागृह के अंदर विद्यमान हैं उनमें से प्रत्येक से कहूँगा कि मन को शांत, वाणी को शांत, चित्त को शांत और शरीर को शांत करते हुए उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सन्मार्ग की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ, ओ वेतुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में वसंत पंचमी की पूर्व संध्या की पावन वेला, शांति कुंज की तपस्थली, पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा का ये केंद्र शांति कुंज की इस पुण्य भूमि पर आज जब हम लोग उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, भाई बहनों और प्यारे मित्रों, आज वसंत पंचमी की पूर्व वेला पर हम लोग यहाँ मिल रहे हैं और ये जो समय है वो वासंती उल्लास को, वसंत के भाव को, इन भावों को जगाने के लिए आया है। सही पूछें तो ये समय आत्मिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति का है। इस संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हैं, उनमें यदि सबसे ज़्यादा मूल्य की, सबसे ज़्यादा महत्व की, सबसे ज़्यादा बल की कोई अभिव्यक्ति है तो वो श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। शरीर का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, जन का बल, ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं इनकी अपनी एक सीमा निर्धारित है और समय भी सुनिश्चित है। किसी के पास कितना भी शारीरिक बल क्यों ना हो, आदमी कितने भी ज़्यादा बल को लेकर के क्यों ना आया हो, उससे ज़्यादा बलशाली कोई ना कोई तो होता ही। रावण कहते हैं कि अत्यंत बलशाली था पर बलि में उससे ज़्यादा बल था। वो रावण को कांख में रख कर धरती की परिक्रमा पर निकल गया। तो जो सबसे ज़्यादा बलशाली था उससे भी ज़्यादा बलशाली कोई ना कोई तो होता ही। और एक क्षण को यदि हम ये मान भी लें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बलशाली हम हैं तो अमरता लिखा करके तो आए नहीं। एक न एक दिन तो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता ही, शरीर कितना भी बलशाली हो एक न एक दिन छूट जाता है, ऊर्जा कितनी भी हो एक न एक दिन चुक जाती है, संपत्ति कितनी भी हो एक न एक दिन तो कम पड़ती है। और व्यक्ति देवराज इंद्र के पद पर भी क्यों न बैठा हो एक न एक दिन तो पुण्य कम होना शुरू करता है, उसको धरती पर जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्रद्धा अकेली ऐसी है जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं, काल को भी उसका अतिक्रमण करने की छूट नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में पाने को कुछ है ही नहीं, जो है वो खोने को है। और जो अपने को खोने को तैयार हो, अपने अस्तित्व को, अपने अहंकार को विसर्जित करने को, विलय करने को तैयार हो, उसको गंवाने को तैयार हो, जिसने अपने होने का अधिकार ही छोड़ दिया, उससे आप छीनोगे क्या? जो शून्य होने को तैयार हो जाता है वही अनंत हो पाता है। जिसने अपने को गंवा दिया वो फिर परमात्मा का प्रतिनिधि हो जाता है। संत कबीर ने बड़ी प्यारी बात कही, उनने कहा प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। ये जो प्रेम की गली है, श्रद्धा की गली है, बहुत ही सक्रिय है, दो लोग इसमें एक साथ प्रवेश कर नहीं सकते हैं। प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जब मैं अपने आप को लेकर के जा रहा था, अपने अहंकार को लेकर के जा रहा था, तो वहाँ पर ईश्वर नहीं थे। और जैसे ही ईश्वर आए वैसे ही मैं को जाना पड़ा। ये जो अहंकार को गंवाने की यात्रा है वही श्रद्धा के जागरण की यात्रा है।
महर्षि रमण ने एक बहुत प्यारी और गंभीर बात कही। क्या कहा? कहा कि बूंद सागर में गिरती है ये तो अनेक लोग देखते हैं, बारिश होती है आपको दिखाई पड़ती है, बूंद सागर में गिरती है ये तो अनेकों को दिखाई पड़ता है, पर सागर बूंद में समाता है ये अनुभव मात्र भक्त को हो पाता है, जब एक दिन परमात्मा भक्त के अंदर आकर के विराजमान हो जाता है और जब श्रद्धा की वो संभावना जागती है कि परमात्मा गुरु और उनकी शक्ति और उनकी चेतना भक्त के अंदर शिष्य के अंदर अवतरित हो पाती है, तभी व्यक्ति चेतना की अंतिम शिखर की यात्रा को पूर्ण कर पाता है। भगवान बुद्ध को जब समाधि लगी तो कुछ ऐसी ही घटना घटी। घटना क्या घटी? 12 साल तक उनने योग को किया, शरीर अस्थि पंजर में बदल गया था, खाया नहीं था, कृशकाय हो गए थे, एकदम शरीर कमजोर हो चला था। और ऐसे में एक दिन जब वो निरंजना नदी के अंदर उतरे, क्षीण धारा थी, बहुत ही कम, बहुत ही पतली, उसके अंदर ना गहराई थी ना भाव था, उस पानी का भी जो बहुत मध्यम सा भाव था वो उनको बहा करके ले जाने लगा। बड़ी मुश्किल से पेड़ की जड़ों को पकड़ करके वो अपने आप को रोक पाए। जैसे ही ये घटना घटी वैसे ही उनके चिंतन में एक विचार कौंधा। क्या कौंधा? मैं ये क्षीण धारा निरंजना की पार नहीं कर पा रहा हूँ, भवसागर को कैसे पार करूँगा? ये सोचना था कि उनने तुरंत सोचा कि क्या छोड़ने की आवश्यकता है। राजपाट छोड़ चुके थे, घर बार छोड़ चुके थे, पद था नहीं, संपत्ति थी नहीं, उनको लगा जिसको पकड़ करके बैठा हूँ उसका नाम है अहंकार। यहाँ पर इस दुनिया में भी पाने को कुछ नहीं है और उस दुनिया में पाने को भी कुछ नहीं। जैसे ही लगा कि छोड़ने की आवश्यकता है वैसे ही सबसे पहले मैं को छोड़ा। मैं को छोड़ना था कि बहुत निश्चिंतता की नींद सोए। सुबह उठे तो लगा कि मन में अपूर्व शांति है, ऐसा लगता है कि ज्योति अवतरित हो गई, मन शांत है, चित्त शांत है। कैसे पता चले कि मुझे समाधि लग गई? एक रात पहले सुजाता खीर का पात्र छोड़ करके गई थी, उस पात्र को उन्हें लिया, निरंजना नदी के पास गए, मन में विचार करके नदी के अंदर छोड़ा। बोले यदि मेरे को समाधि लगी होगी तो परमात्मा कोई प्रमाण देगा। वो पात्र नीचे बहने के बजाय धारा के विपरीत ऊपर को बहता चला गया। और वो जो घटना है वो रूपक बड़ा प्यारा है। रूपक ये है कि जब व्यक्ति अपने को खो देता है तो वो ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही हमने अपने आप को गवाया, अपने अहंकार को गवाया, अपने चित्त को विसर्जित किया, वैसे ही हमारे हृदय के भीतर, अंतरंग के भीतर, अंतर मन के भीतर वो संभावना जागती है जो व्यक्ति को ऊर्ध्व आरोहण के लिए लेकर के जाती है। तब संबोधि, तब बोध, तब समाधि, तब चेतना की अंतिम यात्रा संभव हो पाती है। बुद्ध के साथ घटा। घटा क्योंकि वो अहंकार को गंवाने को तैयार थे। जब हमारा अहंकार जाता है तब जीवन में श्रद्धा आती है, और जब श्रद्धा आती है तब चमत्कार घट पाते हैं। और ये जो वसंत पंचमी का पर्व है, हर व्यक्ति को कहूँगा कि शांत होकर बिना किसी बातचीत के स्थिर चित्त के साथ ये सोचने की कोशिश करें कि वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हम लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और ये जो वसंत पंचमी का दिन है वो हमारी आंतरिक श्रद्धा के आरोहण का पर्व है। इस दिन जितनी श्रद्धा व्यक्ति के हृदय में, उसके अंतर मन में अवतरित हो पाती है उतनी किसी अन्य दिन नहीं हो पाती। वो यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी को अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस कह करके पुकारा। जितने गुरुदेव के जीवन के महत्वपूर्ण सोपान है, महत्वपूर्ण पड़ाव है, कीमती क्षण है, वो सारे के सारे वसंत पंचमी को घटे। पूज्य गुरुदेव की, उनकी गुरुदेव से मुलाकात हुई, दिन कौन सा था? वसंत पंचमी। अखंड दीपक का प्राकट्य हुआ, दिन कौन सा था? वसंत पंचमी। अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू हुआ, दिन कौन सा था? वसंत पंचमी। गुरुदेव ने अपनी अति मानवीय महापुरुष चरणों की यात्रा को प्रारंभ किया, दिन कौन सा था? वसंत पंचमी। न जाने कितनी ऐसी स्थापनाएं हैं, न जाने ऐसी कितनी प्रतिष्ठाएं हैं, शांति कुंज से लेकर रावलखेड़ा और मथुरा से लेकर के ब्रह्मवर्चस्व, जहां पर गुरुदेव ने उनकी स्थापना के लिए जिस दिन का चयन किया वो दिन एक ही था, वसंत पंचमी। और ये दिन एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जो पुराने लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं
कि गुरुदेव वसंत पंचमी के दिन का प्रयोग करते थे ताकि वर्ष भर की योजनाओं को उस दिन सबके मध्य में लाया जा सके। आप गुरुदेव के उद्बोधन पढ़ करके देखें और सुन करके देखें, ऐसे आपको अनेकों उद्बोधन मिलेंगे जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि आज सुबह आज प्रातः हमें हिमालय से संदेश मिल गया है कि इस वर्ष की किन योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। और गुरुदेव की जो योजनाएं होती थी वो आई, वो आती ही नहीं थी, अवतरित हो जाती थी। अभी गुरुदेव के मन में विचार आया, आधे घंटे में गुरुदेव ने मीटिंग ली, शाम तक टोलियां निकलने को तैयार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उन योजनाओं के पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह विद्यमान होता था। सिर्फ योजनाएं क्रियान्वयन नहीं कर पाती हैं, उनके पीछे जब आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो योजना सफल हो पाती है। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, नाम था परमहंस विशुद्धानंद, सूर्य के बड़े ही गंभीर उपासक थे। और वो क्या करते थे कि सूर्य की ऊर्जा से चीज़ों को परावर्तित कर देते थे। कोयला ला करके दिया, हीरे में बदल देते थे। गुलाब ला करके दिया, गुड़हल में बदल देते थे। कहते थे चमत्कार नहीं है बेटा, इनके एटम के कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बदल दिया है। वही कार्बन है, उसके यदि कॉन्फ़िगरेशन को बदल दें तो कोयला हीरे में बदल जाता है। ये पुष्प है, बोले मैंने इसकी संरचना को बदल दिया, अब इसके अंदर आपको गुड़हल दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा को, उसके संरचना को परावर्तित कर दिया गया। उनके यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे। एक दिन बहुत सारे राजा महाराजा बैठे थे तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव कुछ दिखाएं ऐसा। तो परमहंस विशुद्धानंद ने हर व्यक्ति से कहा कि आप लोग अपनी अपनी मुट्ठी बंद कर लो। सबने मुट्ठी बंद कर ली। जो इच्छा है तुम्हारी वो करो, क्या चाहते हो इसके अंदर आए। सबने अपनी अपनी इच्छा करी। बोले हाथ खोलो, हाथ खोला तो कुछ भी नहीं। बोले अब दोबारा करो, सबने अपनी मुट्ठी बंद करी। फिर दोबारा से सबको कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो और ये भाव करो कि इसके अंदर आए। सबने भाव किया, हाथ खोला तो जो जो चाहता था वो उसकी मुट्ठी के अंदर निकला। परमहंस विशुद्धानंद बोले क्या बदला? वही इच्छा थी, बदला क्या है? बोले तुम लोगों के पास इच्छा थी पर शक्ति नहीं थी, मैंने तुम्हारी इच्छा के भीतर शक्ति का संचार किया, तब वो संकल्प में बदल पाती है। व्यक्ति के पास इच्छाएं होती हैं पर उसको जन्म देने वाली शक्ति नहीं होती। गुरुदेव उन योजनाओं के पीछे शक्ति का प्रवाह करते थे। जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि गुरुदेव ने वसंत पंचमी 1990 से लेकर गायत्री जयंती तक लगभग शून्य के बराबर आहार किया था। कारण क्या? कारण बोले ये है कि आप महर्षि रमण के जीवन को उठा के देखिए, गुफा में उनने जीवन गुजारा। जब उनने शरीर को त्यागा तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। संपत्ति भी नहीं थी, लोग उसके लिए लड़ने लग गए। क्यों? गुरुदेव बोले कि जब तपस्वी अपने शरीर को त्यागते हैं तो उनकी तपस्या का अंश लूटने के लिए आसुरी शक्तियां वहां पर प्रहार करती हैं। बोले मैं अपने जाने से पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षित रख करके जाना चाहता हूं। गुरुदेव ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षित रखा। कहां? वो रहस्य आपको मिलेगा जनवरी 1988 के विशेषांक के अंदर, अखंड ज्योति के। ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं, उस आलेख को आप पढ़ करके देखिए। पढ़ेंगे तो रोम रोम में सिहरन होने लगेगी। क्या गुरुदेव ने लिखा? लिखा कि शरीर का परिवर्तन होते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे। शरीर का परिवर्तन होते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे और फिर दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। आपको गुरुदेव का दर्शन करना हो, आप अखंड दीपक के पास जाकर के कर सकते हैं। अखंड दीपक के दृश्यमान प्रतीक के रूप में उसकी ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। वहां पर मात्र दीपक प्रज्वलित नहीं है, वहां पर गुरुदेव और माताजी साक्षात विद्यमान है। वो अकेला गुरुदेव के जीवन का ऐसा सहभागी रहा जो उनके हर स्थूल सूक्ष्म क्रियाकलाप, गतिविधि, कार्यक्रम हरेक का साक्षी रहा है। जिनने गुरुदेव के साथ आमलखेड़ा में काम किया वो आगरा नहीं जा पाए, जिनने आगरा में काम किया वो मथुरा नहीं पहुँचे, जो मथुरा पहुँचे होंगे वो हरिद्वार नहीं आए होंगे, जिनने हरिद्वार में काम किया वो हिमालय नहीं गए। पर अकेला अखंड दीपक ऐसा है जो गुरुदेव के जीवन के सारे चरणों, सारी गतिविधियों का साक्षी रहा है।
हम सोच करके देखें कि कितने सौभाग्य की घड़ी है कि आज से 3 वर्ष के बाद उस पवित्र ज्योति के 100 वर्ष को, उसकी शताब्दी को हम लोग मनाने जा रहे हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं आता। हम चाहते भी, हम न जाने कितने समीकरण बिठाते, हम सारे प्रयत्न करते, सारे पुरुषार्थ करते, सारे प्रयास करते, तो भी हमारे जीवन में शायद ये संभावना नहीं जाग पाती कि हम लोगों को ये सौभाग्य मिलता कि हमारा जन्म इन क्षणों में हो पाता। गुरुदेव का इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर उपकार कि उनने हमें इस समय में जन्म देने का अधिकार दिया। आज से 3 वर्ष के बाद हम लोग परम वंदनीय माता जी की शताब्दी मनाने जा रहे हैं, उस अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग इस धरती पर देवी योजना का, ईश्वरीय आश्वासन का प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रतीक मानते हैं। गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा, क्या लिखा, ये लिखा कि जो अखंड दीपक की तरंगे हैं वो पूरे विश्व के अंदर हलचलों को पैदा करते हैं। और वो जो बात है वो अलंकारिक दृष्टि से नहीं कही गई, आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई। आप में से जितने लोग भारत का आध्यात्मिक इतिहास पढ़ते होंगे वो एक सत्य से परिचित होंगे, क्या 1926 को वसंत पंचमी के दिन 18 जनवरी को गुरुदेव ने अखंड दीपक का प्रज्वलन किया। उसी वर्ष की 24 नवंबर को जब महर्षि अरविंद ने अरविंद आश्रम की स्थापना करी तो क्या कहा, दिस इज द ईयर ऑफ सिद्धि, ये जो वर्ष है दिस इज द ईयर ऑफ डिवाइन लाइट। बोले इस वर्ष में, गुरुदेव ने जनवरी में प्रज्वलित करी, महर्षि अरविंद ने नवंबर में बोला, क्या बोला, इस वर्ष में इस धरती पर दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, उसका अवतरण हो चुका है। उनकी पत्रिका का नाम डिवाइन लाइट रखा कि इस धरती पर दिव्य ज्योति का अवतरण हो चुका है। किस ओर इशारा था, उस ओर इशारा था दोस्तों, जहां पर वो अखंड दीपक की दिव्य ज्योति शांति कुंज के कपाटों के अंदर सुरक्षित रखी गई है। ये जो घटना है वो साधारण घटने नहीं जा रही। मैं हर व्यक्ति को कहूंगा कि अपने अंतर मन में इस बात को, इस गर्व को, गौरव को, सौभाग्य को हम लोग सहेज करके रखें कि उस पवित्र दीपक की अखंड ज्योति की शताब्दी को हम लोग 100 वर्ष के इस उपक्रम में मनाने जा रहे हैं, जिसका भागीदार बन पाने का सौभाग्य हमें न जाने कितने वर्षों के पुण्य पुरुषार्थ के एक साथ उदय होने पर मिल पाता है। और ये जो समय है वो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आवाहन लेकर के आया है, और उस आवाहन को आज बड़ी गंभीरता के साथ सुनने की आवश्यकता है। मन को, चित्त को एकदम स्थिर करते हुए सोच करके देखें कि इस समय में हम लोगों को गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण कार्य में साथ देने के लिए पुकारा है। ये कहकर के पुकारा है कि हमें युग सृजेताओं की पंक्ति में सबसे आगे खड़े रहने की आवश्यकता है। जब तूफान उठते हैं और पीछे की तरफ लोग खड़े रहते हैं तो उनको थपेड़े थोड़े कम लगते हैं, पर वो जिंदगी में ऐसा कुछ कर भी नहीं पाते हैं कि जिस पर वो और उनकी पीढ़ियां गौरव कर सकें। उनके लिए तो लिखने वाले ने लिखा है, ए मौज बला दे उनको भी, ए मौज बला दे उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, ए मौज बला दे उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं। तूफान उठ चुका है, ये समय तो किश्तियाँ डालने का है, ये समय याद करने का है कि भगवान ने बड़े ही महत्वपूर्ण अभियान में हाथ देने के लिए हम लोगों को पुकारा है। और ये जो अखंड दीपक की शताब्दी का वर्ष आ रहा है दोस्तों, वो हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत आमंत्रण बन के आ रहा है। उन लोगों के लिए तो आ ही रहा है जिनका संबंध गुरुदेव के साथ जन्म जन्मांतर का, युग युगों का रहा है। यदि आपको वो आवाज़ सुनाई पड़ती है तो आप अपने ऊपर ये गौरव करना कि हम गुरुदेव के जन्म जन्मांतरों के सहभागी रहे। ये समय उस पुकार को लेकर के आ रहा है। आप किसी को आमंत्रण भेजते हैं तो भेजने के तरीके अनेकों होते हैं, नोटिस भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, चिट्ठी भी भेज सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप फ़ोन करके बुलाते हैं, आपको आना पड़ेगा नहीं तो मन में थोड़ा बुरा लगेगा। अनुनय, आग्रह, अनुरोध करता है व्यक्ति कि आप आइएगा। हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि इस समय में गुरुदेव हमसे अनुनय कर रहे हैं, बेटा तुम लोग तो आना, तुम लोग नहीं आओगे तो मन में बड़ा खराब लगेगा।
हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारे जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं उनसे गुरुदेव आशा की दृष्टि से देख रहे हैं कि कम से कम तुम तो आना। तुम लोगों से तो इस बात को इस आशा के साथ कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ का संबंध तो पुराना है। हम लोग ये सोच करके देखें कि जो अखंड दीपक की शताब्दी है वो इसी भाव को जगाने के लिए आई है, क्योंकि भगवान रोज पुकारते नहीं और भगवान को जरूरत पड़ती नहीं। हजारों वर्षों में कभी एक बार भगवान पुकारते हैं। पिछले युग में पुकारा था तो लाठी लगाने के लिए पुकारा था, उससे पहले पुकारा था तो पानी पर पत्थर उछालने के लिए पुकारा था। भगवान को आवश्यकता पड़ती है तो बड़े काम के लिए नहीं पुकारते, छोटे उद्देश्यों के लिए पुकारते हैं। पर यह देखने के लिए पुकारते हैं कि जब पुकारा जा रहा है उस समय में भगवान की आवाज का उत्तर देने का साहस आपके पास है कि नहीं। और जो दे जाते हैं वो अपनी और अपनी पीढ़ियों को निहाल कर जाते हैं। आज भी इस धरती पर वानर हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं, और आज भी गिलहरी अपनी पीठ के ऊपर भगवान राम के हाथों का हस्ताक्षर लेकर के घूमती है। जो भगवान के सहयोगी बन पाए वो अपने को धन्य कर गए, अपनी पीढ़ियों को धन्य कर गए, अपने आसपास वालों को धन्य कर गए। इस समय हमें धन्य बनाने के लिए आया है। मैं कहूँगा कि हम लोग अपने हृदय में गहरे उतर करके अपने आप से पूछें कि आवाज़ सुनाई पड़ती है कि नहीं। ये वसंत पंचमी का समय याद दिलाने के लिए आया कि ये देवी ज्योति के अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। आज से 3 वर्ष के बाद हमारे हृदय में उसके आवाहन की आवाज़ आती है कि नहीं, वो आमंत्रण हमें सुनाई पड़ता है कि नहीं, वो निमंत्रण हमारे हृदय के अंदर उतर पाता है कि नहीं। क्योंकि भगवान को रोज पुकारने की आवश्यकता नहीं, भगवान कभी कभी पुकारते हैं, और जब पुकारते हैं तो मात्र ये देखने के लिए पुकारते हैं कि आपके पास देने का भाव है कि नहीं। हम किसको देते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हमने किस भाव के साथ दिया और किसको दिया वो जरूरी हो जाता है। आप भगवान के सहयोग के लिए जाते हैं तो जो भगवान से मिलता है वो उसी स्तर का मिलता है, उसी के अनुरूप मिल पाता है। द्रौपदी की कहानी किसको नहीं पता, दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ द्रौपदी के घर पर आकर के बैठ गए। क्यों? दुर्योधन के यहाँ खाना खाने गए। दुर्योधन ने बड़ी आवाभगत करी और बड़े दुर्भाव के साथ करी, ये सोच करके करी कि 60,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ, खुश करके भेजूँगा। बदले में दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या करें, बोले आप तो हमारे भाई के यहाँ खाना खा के आइए। युधिष्ठिर के यहाँ भाव ये था कि 60,000 लोगों को लेकर युधिष्ठिर के पास जागेंगे, वो तो गरीबों की तरह से रह रहा है, 60,000 को खिला नहीं पाएगा, दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के श्राप दे देंगे, ये भाव था। 60,000 लोग आकर के बैठ गए। द्रौपदी घबराई अब क्या करें, भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। और आते से ही भगवान ने क्या कहा, द्रौपदी बड़ा भूखा हूँ खाना निकाल। चाहती तो द्रौपदी मना करती कि भगवान 60,000 तो पहले ही बाहर बैठे हैं, उनको तो खिला नहीं पा रही हूँ, आप और मांगने के लिए आ गए। बिना सोचे द्रौपदी ने अपने उसको देखा, भंडार को अन्न के 2 दाने पड़े थे, निकाल के दे दिए। भगवान ने बड़े चाव से पहला दाना खाया और दूसरे के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। बोले अब ये जो एक अन्न का दाना बचा है वो अक्षय पात्र बन गया, इससे तू चाहे 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, कम पड़ने वाला नहीं। पर पहले तो भगवान ने यही देखा कि द्रौपदी के पास देने का भाव था कि नहीं, था तो वह अक्षय पात्र की अधिकारी बनी। सुदामा गए भूखे प्यासे, गरीब पत्नी ने कहा आपके दोस्त तो भाई इतने बड़े पद पर हैं, त्रिलोक के अधिपति हैं, मिलकर के आओ, कुछ न कुछ तो देंगे। उल्टा हुआ क्या, भगवान ने तो सुदामा से ही मांग लिया, तुम्हारी जेब में क्या है निकालो। सुदामा चाहते तो मना करते कि हे भगवान मैं तो खुद ही भूखा प्यासा आ रहा हूँ, आप जो है मेरे पास जो थो 2 मुट्ठी सत्तू पड़ा है वो भी छीनने के लिए आ गए। रुके नहीं सुदामा, बड़े खुश होकर के खिलाया। वो जो खुश होकर के खिलाया उसका परिणाम क्या हुआ, भगवान ने सुदामा को द्वारिका का 3 लोगों का अधिपति बना दिया। विधाता शिकायत लेके गए, बोले भगवान जब ये पैदा होने वाले थे सुदामा तो हमने इनके माथे पर लिख दिया था इनको लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी, ये क्या कर दिया आपने। भगवान ने माथे पर दोबारा हाथ फेरा, बोले देखो क्या लिखा है, वहाँ लिखा था इनको लक्ष्मी ही मिलेगी। भगवान जो है भाग्य बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाते हैं, पर पहले परीक्षा करते हैं कि आप में देने का भाव है कि नहीं। और जितने बड़े व्यक्ति को आप देते हैं उतने ही बड़ी चीज़ को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। बलि जब दान देने के लिए गए तो उनको पता चल गया कि वामन के रूप में भगवान विष्णु आए हैं सामने। शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे
वो उनसे बोले कि मत कर, भगवान सामने खड़े हैं। नहीं सुना, बोले मैं वचन दे चुका हूँ। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, शुक्राचार्य जिस नली के अंदर जल लेने के लिए बैठते हैं लोटे की, वहां पर जाके बैठ गए। पता चल गया बलि को कि अंदर है, तो उनने तिनके से उसको हल्का सा मारा तो शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। इसीलिए एक आंख नहीं होती शुक्राचार्य की। तब भी उनने कहा वचन दिया है तो दूंगा। जब दिया तो वो जो वामन है भगवान विष्णु, उनने तीन पग में धरती नाप ली। बलि ने त्यागा, जाके जंगल में तपस्या को बैठ गए। इंद्र के मन में जो द्वेष था वो गया नहीं था। उनने भगवान ब्रह्मा से कहा कि कहाँ है बलि, मैं जरा मिल करके आना चाहता हूँ। क्यों? उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है। बोले मत जाओ। बोले तुमने दुर्भाव से उससे ले तो लिया, पर उसने जो दिया है उसके लिए वो उस चीज़ का अधिकारी बन गया है जो आज तक किसी को नहीं मिला। क्योंकि भगवान ने बदले में क्या कहा था, बदले में कहा था तेरी 7 पीढ़ियाँ ऊपर की और 7 पीढ़ियाँ नीचे की, वो सारी की सारी मोक्ष को सीधे प्राप्त होंगी। ऐसा वरदान आज तक के इतिहास में किसी को नहीं मिला, 7 पीढ़ियाँ पहले की, 7 पीढ़ियाँ बाद। और जब भी कोई वचन लेगा तो उस जगह पर तेरा नाम लेकर के वचन लेगा, तो मैं स्वयं जाकर के उस वचन को निभाऊंगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, कहते हैं कि नहीं? वो बलि राजा को जिस वचन से बांधा उसी वचन से कहते हैं कि भगवान हम आपको बांध रहे हैं। वो वरदान भगवान ने उनको दिया, आज तक किसी को मिला नहीं। बलि तपस्या कर रहे थे, इंद्र पहुंच गए ढूंढते हुए। बोले देखो मैंने तुमसे राजपाट ले लिया। बलि हंसे, बोले ना तुम्हारा था वो राजपाट और ना मेरा है, ले लिया तो ले लिया। बोले पर जो मैंने नहीं दिया है वो पराक्रम नहीं दिया है, अभी हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। बोले मैंने राजपाट दिया है इंद्र, शौर्य नहीं दिया है, शौर्य अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। और फिर इंद्र से इतनी प्यारी बात बलि ने बोली, बोले ये सोच करके देखो इंद्र कि यहाँ पर बड़ा कौन हुआ। बोले देखो मेरे पास मांगने के लिए कौन आया, भगवान विष्णु, उनसे ज़्यादा बड़ा इस पूरे त्रिलोक में कोई है नहीं। मांगा क्या उनने, त्रिलोक, उससे ज़्यादा इस संसार में देने को कुछ नहीं। सबसे बड़े को सबसे बड़ा दान दिया, तो जो मुझे मिला उसके बदले में उससे ज़्यादा तो किसी को मिल नहीं सकता है। हमने किसको दिया, गुरुदेव को यदि हमने दिया तो गुरुदेव उसी अनुपात में हमें लौटा करके जाते हैं। इस समय में गुरुदेव कह रहे हैं हर व्यक्ति से कि ये जो 2026 की शताब्दी है वो हम लोगों के लिए इस आवाहन को लेकर के आ रही है कि अखंड दीपक की ज्योति को हम लोग घर घर तक पहुंचा करके आए। हर घर तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और इसी क्षण से सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए न योजना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, न समय का इंतजाम करने की आवश्यकता है, और न ये सोचने की आवश्यकता है कि कब करें कैसे करें। गुरुदेव ने पुकारा है, हमें शुरू हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अखंड दीपक की ज्योति है वो इस धरती से अवतरित नहीं होती, वो दूसरी जगह से होती, उसकी कक्षा भिन्न है। मुझे याद है कि गुरुदेव के पास जो आए डॉक्टर देखने के लिए, गुरुदेव की आँख में कैटरेक्ट था, बोले ऑपरेशन करना है, चश्मा रखा रहता था, आप सबने देखा होगा गुरुदेव का चश्मा, उन्होंने देखा चेक करने के लिए। तो बोले गुरुदेव इसमें तो पावर दूसरी है, आपकी आँख में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम नॉर्मल है। तो गुरुदेव क्या बोले, तो कोई छोड़ गया था, मैंने ऐसी आँख पे लगा लिया है। तो बोले फिर आप देखते कैसे और लिखते कैसे? तो गुरुदेव बोले बेटा मैं इन आँखों से नहीं लिखता हूँ, जिन आँखों से लिखता हूँ वो दूसरी, उसको लिखने के लिए दिव्य प्रवाह की आवश्यकता है। और गुरुदेव क्या बोले, गुरुदेव बोले ये जो लिखता हूँ और जो अखंड दीपक में बसता है उसका प्रवाह दूसरी कक्षा से अवतरित होता है, और वो जो प्रवाह है दोस्तों शांति कुंज के कण कण के अंदर घुल गया है। गुरुदेव का आप उस आलेख पढ़ेंगे, ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं, तो उसमें गुरुदेव ने क्या कहा, ये कहा कि माली बाग लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है, ये बाग हमने लगाया है। हमारे जाने के बाद इस शांति कुंज के परिसर के कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर हम समा जाएंगे, और इसकी अनुभूति, इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव ने कहा इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर आगंतुक को, हर निवासी को बारंबार होती रहेगी। और हम अपने आप से पूछ करके देखें, आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा
जो गुरुदेव के साथ सामीप्य को अनुभव नहीं करता हो। किसी को आप ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि हम ये महसूस नहीं कर पाते कि गुरुदेव नहीं है, हर क्षण तो हमारे पास। इस भाव को व्यक्ति अपने मन के अंदर गहरा अनुभव कर पाता है कि वो यहाँ है। उन लोगों से पूछ करके देखिए जो गुरुदेव के जाने के बाद जिनको कभी शरीर से गुरुदेव को देखने का अवसर नहीं मिला, पर उनकी भावनाओं की प्रगाढ़ता ऐसी है जैसे गुरुदेव से आज सुबह मिल करके आए। वो कहाँ से आया? वो वहाँ से आया जहाँ पर गुरुदेव उनके साथ नित निरंतर निवास करते हैं। हम लोग छोटे थे तो एक व्यक्ति थे, उनकी कोई बात किसी को बुरी लगी होगी तो वो क्या हुआ, 10-15 दिन तक उनकी रिकॉर्डिंग करते रहे। करने के बाद गुरुदेव के पास टेप रिकॉर्डर ले गए, छोटा डिक्टाफोन आता था उसमें रिकॉर्ड करके ले गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ। तो गुरुदेव हंसे, बोले बेटा ऐसा है, तू 10-15 दिन इसमें लगा के आया तो इससे दो बातें पता चलती हैं। क्या? एक तो तू खाली है, तेरे पास काम नहीं, 10-15 दिन में तू यही करता रहा कि रिकॉर्डिंग ही करता रहा। दूसरा, इतना ही समय तूने यदि सच्चिंतन में लगाया होता, साधना में लगाया होता तो तेरा भी कल्याण होता, दूसरे का भी होता। वो समय तो कुचिंतन में चला गया, दुर्भाव में चला गया। और तीसरी बात इतनी प्यारी बोले गुरुदेव, बोले कि बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है ये जानने के लिए मुझे तेरी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं। शांति कुंज, गुरुदेव बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पे मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है। वो जो शरीर है उसको गुरुदेव सुरक्षित रख करके गए अखंड दीपक की लौ के अंदर, उसकी ज्योति के अंदर गुरुदेव उपस्थित हैं। और उस लेख में गुरुदेव ने क्या कहा, हमारी ज्योति और फैलेगी। ध्यान से सुनिएगा, हमारी ज्योति और फैलेगी। मिशन तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम दोनों की स्थिति, पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की, हम दोनों की स्थिति धनुष पर प्रत्यंचा की तरह से तनी हुई है और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी। ये जो शब्द है हमारी ज्योति और फैलेगी, मैं कहूंगा दोस्तों हमारे लिए वसंत पंचमी का संदेश है, हमारी ज्योति और फैलेगी। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी ज्योति को और फैलाने की आवश्यकता है। उस संदेश को हमें संदेश की तरह से नहीं, निर्देश की तरह से लेने की आवश्यकता है। हमारे को ये सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने हमें सीधे हमारे लिए सन 2026 की कार्य योजना दे दी है। गुरुदेव के अखंड दीपक की ज्योति को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। आप सोच करके देखिए, एक बार मन में विहंगम दृश्य अपने ला करके देखिए कि यदि घटना ऐसी घटे कि अखंड दीपक की ज्योति से एक बड़ी सी मशाल को हम जलाएं, एक बड़ी सी मशाल जले और क्षेत्र के जितने संगठन हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं, जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो उस ज्योति के अंश को लेकर के आए, ज्योति से ज्योति को जलाएं, एक घर से दूसरे की जलाएं, एक परिवार से दूसरे परिवार की जलाएं। और सन 2026 से लेकर 20 वर्ष तक का समय ऐसा है कि इस भारत भूमि के अंदर हर घर के अंदर यदि पूजा का दीपक जल रहा हो तो व्यक्ति गर्व के साथ कह सके कि हमारे घर की जो ज्योति है वो अखंड दीपक की ज्योति से निकल करके आई। हमें ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है, हमें ऐसी सोच पैदा करने की आवश्यकता है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि यदि पूरे विश्व में हर घर में, हर परिवार में, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, लोगों के घरों से लेकर लोगों के मनों तक कहीं पर भी यदि अंधकार है तो उस अंधकार को अखंड दीपक के प्रकाश के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर होना पड़े। जो भाव है वो ये है कि इस तरह का प्रकाश पैदा हो। अभी तो श्रद्धे द्वय और सभी वरिष्ठ मामा जी लोग सन 2026 की योजना को बना भी रहे हैं। मेरा छोटा सा आवेदन उसमें ये होगा कि यदि उसको 3 वर्ष के लिए मनाएं, 2025 से शुरू करें, 27 तक मनाएं। एक वर्ष तो पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व के लिए रखा जाए, एक वर्ष वंदनीय माता जी के व्यक्तित्व कृतित्व के लिए रखा जाए और एक वर्ष अखंड ज्योति के अखंड प्रकाश को प्रचंड प्रकाश में बदलने के लिए रखा जाए। ये समय अखंड प्रकाश को प्रचंड प्रकाश में बदलने का है। अखंड तो है ही, पर उसको प्रचंडता देने की आवश्यकता है। एक वर्ष दें व्यक्ति निर्माण को, एक दें परिवार निर्माण को, एक दें समाज निर्माण को, राष्ट्र का निर्माण हो, एक दें प्रचारात्मक आंदोलन को, एक दें संघर्षात्मक को, एक दें अपने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति को।
एक हम लोग दें इस तरह के प्रयासों को जिसमें उपासना के आंदोलन हो, एक दें जिसमें साधना के आंदोलन हो, एक जिसमें आराधना के आंदोलन हो। हर तरीके के 3 वर्ष में सारे के सारे आंदोलनों को गुरुदेव ने जितनी क्रांतियां दी, जितने सूत्र दिए, उन सब को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये जो समय है वो इसी आवाहन को लेकर के आ रहा है। आवाहन को लेकर के आ रहा है कि गुरुदेव ने कहा कि जब नैतिक क्रांति है तो नैतिक क्रांति में सारे रचनात्मक आंदोलन आ जाते हैं। जो बौद्धिक क्रांति है उसमें गुरुदेव के ज्ञान रूप का विस्तार आ जाता है, और जो सामाजिक क्रांति है उसमें अनैतिकता से, अवांछनीयता से हर मोर्चे पर लड़ाई आ जाती है। उन सारी बातों को तो अपन यहाँ कर पाने की स्थिति में नहीं है, पर जो भाव है, भाव यह है कि यदि उस क्रांति को जन जन तक पहुंचाना हो तो स्थूल रूप में ऐसा प्रयास हमको करना होगा कि लोगों के घरों तक गुरुदेव का चिंतन पहुंच सके। भगवान भी अपने निराकार स्वरूप से जब साकार में उपस्थित होते हैं तो अपनी उपस्थिति का एक स्वरूप निर्धारित करते हैं। गुरुदेव की योजना विश्वव्यापी है, चिंतन के रूप में, दर्शन के रूप में, उद्देश्य के रूप में हर व्यक्ति के पास है, पर यदि उसे स्थूल रूप में पहुंचाना हो तो पहुंचाने के लिए एक प्रतीक की आवश्यकता है। और आज मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने 100 वर्षों तक अखंड दीपक के प्रकाश को अखंड रखा है, उसको प्रचंड बनाना हमारा दायित्व है। अपने मन में एक ही संकल्प हम लोग लें, ज्योति से ज्योति जलाएं, देश जगाएं, दुनिया जगमगाएं। हम लोगों को देश भी जगाना है और दुनिया को जगमगाना भी। हर व्यक्ति तक इस चिंतन को पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसे ओलंपिक की टॉर्च लेकर के लोग निकलते हैं, वैसे ही क्षेत्र के हर घर से, हर कार्यकर्ता के पास से, हर प्रज्ञा संस्थान से, हर शक्तिपीठ से, हर प्रज्ञापीठ से, हर चरण पीठ से, हर चेतना केंद्र से यहाँ आए, उस ज्योति के अंश को लोग लेकर के जाएं। जैसे शक्ति कलश को लेने के लिए आते हैं, वैसे ज्योति कलश लेने के लिए आए, और वो जब यात्राएं चलें तो हर व्यक्ति को जगाती हुई चले, हर व्यक्ति के दिल को झकझोरती हुई चले। वहाँ पर जब यात्राएं हो, हम सभी चलें, हम भी चलें, आप भी चलें, सब लोग चलें, और इस पूरे भारत के एक एक जगह को छूते हुए चलें, लोगों के जन के भाव को जगाते हुए चलें, उनके अंदर जागरण को करते हुए चलें, उनके अंदर की ज्योति को जगाते हुए चलें, रास्ते की दीवारों को गुरुदेव से एकदम सिक्त करते हुए चलें, झोला पुस्तकालय लेकर के चलें, लोगों को साहित्य बांटते हुए चलें, प्रभात फेरी निकालते हुए चलें, और जब रुकें तो उस जगह पर दीप्य का आयोजन करें, उस जगह पर हम संस्कारों का आयोजन करें, उस जगह पर हम यज्ञ का आयोजन करें। जहाँ जहाँ रुके वहाँ पर व्यक्ति के चिंतन में अच्छे भावों को करें, किसी व्यक्ति का घर न छूटे, कोई देवालय न छूटे, कोई संस्थान न छूटे, कोई स्कूल नहीं छूटे, कोई कॉलेज नहीं छूटे, कोई हॉस्पिटल नहीं छूटे, जहाँ पर अखंड दीपक की ज्योति और उसकी अग्नि न पहुँची। ये हमें करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति की चेतना में उस प्रवाह को, सोच को, संकल्प को पहुंचाने की आवश्यकता है। यहाँ से यात्राओं का क्रम आदरणीय मामा जी लोग ऐसा बनाएं कि भारत का कोई भी क्षेत्र, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी स्कूल, कोई भी शहर, कोई भी हिस्सा उससे छूटा न रह जाए। हर जगह पर लोगों के मन में गौरव का भाव आए कि हमारे घर में अखंड दीपक का प्रकाश पहुँचने वाला है। जब हनुमान जी गए तो उनने विभीषण को पहचाना कैसे? राम राम का नाम लिखा हुआ था, राम राम के नाम से विभीषण के घर की पहचान हो गई। हमें वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि 2026 से लेकर आने वाले 20 वर्षों के अंदर दूर से पहचान हो जाए कि इस व्यक्ति के घर में अखंड दीपक की प्रचंड अग्नि पहुंची हुई है। ऐसा भाव हमें पैदा करने की आवश्यकता है, और जब वो पहुंचे तो उससे पहले उस तरह की व्यवस्थाएँ बने, उस जगह पर लोग साधनात्मक आंदोलनों को करें, एक एक महीने का अनुष्ठान करें, नौ नौ दिन के अनुष्ठान करें, उस जगह की भूमि को इस योग्य बनाएं कि वहाँ पर अखंड दीपक की अग्नि पहुँच सके, ज्योति प्राकट्य का पर्व मने, लोग उसको गौरव के साथ धारण करें, संस्कार के साथ ग्रहण करें, उनके अंदर ये भाव हो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज खुलने वाला है। जब सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ हुआ तो लोगों के घर घर तक आंवल खेड़ा की रज पहुँची थी, देवी स्थापना के आंदोलन चले तो लोगों के घर घर तक पूज्य गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के चित्र पहुंचे थे। अब घर घर तक अखंड दीपक की ज्योति और उसकी अग्नि को पहुंचाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति तक वो ज्योति पहुंचे, हर व्यक्ति के हृदय तक वो अग्नि पहुंचे, और जब पहुंचे तो वहाँ पर ज्योति प्राकट्य का ऐसा पर्व मने,
वहाँ पर हर व्यक्ति को ये लगे, पूरे शहर को लगे कि ये कार्यक्रम हमारा है। ऐसा ना हो कि लगे ये गायत्री परिवार का है, गायत्री परिवार का नहीं, मानवता का कार्यक्रम है। जो आध्यात्मिक प्रकाश सुरक्षित रखा गया है, वो आध्यात्मिक प्रकाश धरती को आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। वो महत्व व्यक्ति के हृदय में आना चाहिए कि जो चेतना आज हमारे घर तक पहुँच रही है वो साधारण नहीं है, देवी है, ईश्वरी है। और जब वहाँ पर पहुँचे तो हम हर तरह के कार्यक्रम करें। जिस दिन पहुँचे उस दिन स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, लोगों के मध्य में परिचय के सत्रों, परिचय के सत्र में जितने पुराने कार्यकर्ता हों नए से मिले, नए पुरानों से मिले, उनके संस्मरणों को जाने कि आप गुरुदेव से जुड़े कैसे, आपके जीवन में घटना क्या घटी थी वो आप हमें बताइए। हम अपनों के मध्य में भी परिचय करें और औरों के मध्य में भी करें, स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह पर जाएं और गुरुदेव के विषय में, वंदनीय माताजी के विषय में, शांतिपुंज की स्थापना के विषय में, अखंड दीपक के विषय में, गुरुदेव के महापुरुष चरणों के विषय में हर व्यक्ति को बताएं, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह पर। इसके अलावा बोलने की आवश्यकता ही नहीं, उनके जीवन से परिचय करा दें, ये बता दें कि उनने किया क्या और जो आपके यहाँ अवतरित हो रही है वो चीज़ कितनी बड़ी, कितनी दिव्य, कितनी पावन, कितनी महान है। ये व्यक्ति के अंदर उस गौरव को जगाने की आवश्यकता है कि जिस ज्योति को आप तक पहुंचाया जा रहा है, ज्योति से ज्योति जो जलाई जा रही, जो देश को जगाया जा रहा है, जो दुनिया को जगमगाया जा रहा है, वो करने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि गुरुदेव का जो चिंतन है, उनका जो स्वरूप है, उनके जो क्रियाकलाप है, उनका जो व्यापक भाव है, वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। और हर व्यक्ति को क्या लगे, हर व्यक्ति को लगे कि गुरुदेव हमारे हैं, पूरे भारत को लगे, पूरी दुनिया को लगे, ये भाव उनके अंदर पहुंचाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमारे, हमारे घर में उनका आगमन हो रहा है। परिचय के सत्र रखें, प्रेम के सत्र रखें, साथ साथ मिलें, बैठें, एक दूसरे के कष्ट को लोग जानें, उनको सम्मानित करें जो पुराने हैं, उनको कृतज्ञता दें जिनने कार्य किया, न जाने कितने, न जाने ऐसे कितने प्रयास हैं जिनको वहाँ पर साझा कर सकते हैं, न जाने ऐसी कितनी प्रगति है जिनको बता सकते हैं, और उनके साथ सारे आंदोलनों को जोड़ सकते हैं, यज्ञ को जोड़ें, संस्कार को जोड़ें, युवा कार्यशालाओं को जोड़ें, रचनात्मक आंदोलनों को जोड़ें, उसके साथ क्रांतियों को जोड़ें, इन सब को जोड़ें, हर चीज़ को जोड़ने की आवश्यकता है। फिर नई चीज़ों पर प्रतियोगिताएँ करें, लोगों से कहें कि आपके जीवन शांति कुंज जाने के बाद बदला, उसकी कहानी आप बताइए। ऐसे एक नहीं, आपको हजारों लोग मिलेंगे। हम लोग अफ्रीका में गए, अफ्रीका में जाने के बाद एक घर से ऊपर से नीचे उतर रहे थे, नीचे उतरते उतरते एक दीदी ने देखा, उन्होंने कहा आप लोग शांति कुंज से आए क्या, हमने कहा हाँ, बोले मैं 72-73 में गुरुदेव के पास शांति कुंज में रह करके आई हूँ, अभी आप लोगों को देखा तो एकदम मन में भाव आया कि अरे उसके बाद से आने के बाद से शांति कुंज से कोई संपर्क ही नहीं हुआ था, जिस घर में तो ऐसे ही गए थे वहाँ से नीचे उतरते उतरते उन्होंने देखा गुरुदेव कहाँ कहाँ बीज बो के आए। मैं इंग्लैंड में था, एक मित्र थे मेरे, उनकी जो दादी थी वो उस समय में जब इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लोग यहाँ रहा करते थे अंग्रेजों के समय में, उस समय में वो यहाँ रही थी, रहते रहते उनने कहीं से गायत्री मंत्र सीख लिया, करती थी, अब बिल्कुल अंतिम अवस्था में थी, तो जो मेरा मित्र था वो बोला कि उनका बड़ा मन है कि कोई आकर के गायत्री मंत्र बोल दे, डेथ बेड पर है, आप बोलोगे क्या, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आऊँगा। मैं गया तो उनका केयर करने के लिए एक अफ्रीका की नर्स भी थी वहाँ, मैंने गायत्री मंत्र बोलना शुरू करा, उसने भी टूटे फूटे शब्दों में साथ देना शुरू किया, और जब गायत्री मंत्र हमने बोल लिया 24 बार, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ से पता चला, बोले हमारे पिताजी के दादाजी के घर में कोई भारत से आए थे, वो पूरे कबीले को सिखा करके गए थे। मैंने कहा उनका फ़ोटो है क्या आपके पास, तो बोले हाँ मैं मंगा लेती हूँ। फ़ोटो मंगाया तो फ़ोटो में कौन थे, गुरुदेव। अफ्रीका के कबीले में लोगों को गुरुदेव गायत्री मंत्र का बीज रोप करके आए, सब जगह पर पौध उनने तैयार रखी, हमारा काम तो खाद पानी धूप को देना है। ये जो समय है वो यही याद दिलाता हुआ आया कि इस समय में हमें जागने की, जगाने की, दौड़ने की, दौड़ाने की, चलते हुओं को पहुंचाने की आवश्यकता है। जो नहीं करने की आवश्यकता है वो सोने की नहीं है। आदमी जो करे, जिस रूप में करे, जिस भी तरीके से करे, उसे गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये जो वसंत पंचमी का पर्व है वो इन शीत लहरों के मध्य में हमारे भीतर इसी गर्मी को जगाता हुआ आया है, ये कहता हुआ आया है कि अब ज्योति को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, अखंड ज्योति के अखंड प्रकाश को प्रचंड प्रकाश में बदलने की आवश्यकता है।
ज्योति से ज्योति जलाने की आवश्यकता है, देश को जगाने की और दुनिया को जगमगाने की आवश्यकता है। आज के समय में इसी मंत्र को, इसी भाव को लेकर के जाएं कि यहाँ से हम घर घर को जगाता हुआ, घर घर के अंदर नई सोच को पैदा करता हुआ वातावरण पैदा करते हुए जाएं। आज के शुभ अवसर पर यही सभी के लिए सद्भावना है, यही सभी के लिए मंगल कामना है। इतनी देर तक इन बातों को आपने इतनी धैर्य के साथ सुना, उसके लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।